राजस्थान के कोटा स्थित इटावा कस्बे में 1.5 साल पहले हुई एक युवक की मौत के मामले में पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने आरोपी पत्नी को गिरफ्तार किया है। डीएसपी शिवम जोशी ने बताया कि 9 सितंबर 2022 को इटावा के गुमालपुरा निवासी विजय बैरवा की मौत हुई थी। मामले में पत्नी ने ही पति की हत्या की थी। एसएचओ मांगेलाल यादव ने जांच की और पत्नी ममता बैरवा से पूछताछ की तो उसने अपना जुर्म कबूल किया है। मृतक की हत्या दम घुटने से हुई थी। पुलिस ने आरोपी ममता को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच अभी की जा रही है। कोटा से महेंद्र मीणा की रिपोर्ट। मैटर यह है कि 9 सितंबर 2022 को परिवादी बीरम देव थाने पर एक रिपोर्ट दी थी, जिसमें उसने बताया कि मेरे जो बेटा है विजय बैरवा, उसने फांसी लगा ली और उसकी रिपोर्ट के आधार पर हमने यहाँ मर्ग दर्ज करी थी। मर्ग की जांच हुई, FSL के लिए जो है सैंपल भेजा गया। FSL से हमारे पास में जब अक्टूबर 23 में रिपोर्ट आई FSL की, और इस रिपोर्ट में जो MO थे उन्होंने, जो बोर्ड था उन्होंने ये बताया कि कॉज ऑफ डेथ जो है वो एस्पेक्सिया है और एंटीमार्टम स्ट्रैंगुलेशन है। तो जो ये बताता है कि दम घुटने से, गला घुटने से इसकी मृत्यु हुई है। इसके अलावा जो एक्सपर्ट की राय है उसके साथ साथ हमने इसके टेक्निकल एविडेंस भी जो है कलेक्ट किए और सरकमस्टेंशियल एविडेंस कलेक्ट किए, और उसके बाद में हमने 90/24 मुकदमा दर्ज किया। सरकमस्टेंशियल एविडेंस और टेक्निकल एविडेंस से ये साबित होता है कि जब उस मृतक के साथ ये घटना हुई, उस वक्त सिर्फ उसकी पत्नी वहाँ मौजूद थी। उन दोनों के मेडिकल जब उस दौरान जब मेडिकल करवाए गए थे तो दोनों के शरीर पर चोटें थी।